अलमेक दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर दैट इज़ हिलास जिसको लिखने वाले हैं पी बी शले ये लिरिकल ड्रामा है पी बी शले का जिसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखा गया हुआ है तो इसीलिए इसको पोइट्री के कलेक्शन में भी इंक्लूड किया जाता है अब हुआ क्या था कि पी बी शले और जो उनकी मिसेस थी मैरी शैले इनकी मुलाकात हुई थी ग्रीक के से जिसका नाम है अलेक्ज़ेंडर मैब्रोकोडेटो इनकी मुलाकात इनकी मीटिंग 1818 से 1821 के ड्यूरेशन में हुई थी तो जब इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने उस टाइम पे ग्रीक की सिचुएशन देखी ग्रीक जो था वो एक कंटीन्यूस बैटल के अंदर था बैटल करा था वो तुर्की के साथ और ग्रीक को इंडिपेंडेंस भी चाहिए थी तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए ना पी बी शले ने अपना एक वॉक प्रोड्यूस किया वो वॉक है हिलास हिलास का मतलब क्या है हिलास बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि ग्रीक जो है वो अपने हेलनिज़म की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपने हेल्निक एटीट्यूड की वजह से फेमस हैं ये हेलनिक एटीट्यूड हेलनिज़म क्या होता है जिसमें वो ग्रीक अपने गोड्स के बारे में बात करते हैं गोडसिस के बारे में बात करते हैं ग्रीक्स के अंदर बहुत ज़्यादा गॉड गोड़ एंड गोडसेस है क्लियर तो उसी गॉड गोड़ एंड गोडस को माइंड में रखते हुए हमारे राइटर ने टाइटल चूज किया हेलास हेलास बेसिकली ग्रीक का एंड अदर नेम भी कंसीडर किया जाता है और इन्होंने इस वर्क के अंदर जो ग्रीस की और तुर्की की वॉर हो रही थी उस फोर को डिट किया और इनका ये वर्क लिखने का पर्पज़ क्या था टू सपोर्ट ग्रीस इंडिपेंडेंस ये इंडिपेंडेंस जो थी ग्रीस की उसको सपोर्ट करना चाहते थे और इन्होंने ये वर्क जो जिन प्रिंस से इनकी मुलाकात हुई थी कोडाटो कौड़ा, उनको इन्होंने डेडिकेट किया था अब 1453 के अंदर जो बर्जेंटीन एम्पायर थी उनका फॉल हो गया था उनके फॉल के बाद जो ग्रीस की मेजोरिटी थी वो ऑटोमन रूल के अंदर ही थी और 1821 में महमूद सेकेंड जो थे वो सुल्तान के तौर पे ऑटोमन अम्पायर के ऊपर अपनी रूलरशिप कर रहे थे मतलब वो ऑटोमन अम्पायर के सुल्तान थे किस टाइम पे? 1821 के ड्यूरेशन में और जिस टाइम का महमूद सेकंड का ड्यूरेशन चल रहा था रेन का उनके रूलरशिप का उस टाइम पे जो ऑटोमन एम्पायर थी सल्तनत उस्मानिया थी वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कोलेप्स की तरफ आ रही थी डिक्लाइन की तरफ आ रही थी और उसके बाद क्योंकि वो ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ ऑलरेडी आ रही थी फिर इसी ड्यूरेशन में जो ग्रीक थे उन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए वॉर शुरू कर दी ऑटोमन एम्पायर की तरफ और ये जो वॉर थी ये 1821 से 1832 के ड्यूरेशन तक रही थी सिक्सथ ऑफ मार्च 1821 में फर्स्ट सिग्निफिकेंट रिवॉल्ट किया था किन्ों ने किया था ऑटोमन्स ने किया था किस जगह पे किया था जनोबियन प्रिंसिपलिटीज़ के ऊपर ठीक है इस साइड पे इस प्लेस पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट रिवॉल्ट किया था ऑटोमन्स ने और फिर दो हफ्ते से भी कम टाइम के अंदर अंदर क्या हुआ कि सेवनटीन मार्च को जो मीनोट्स थे पैलोपनीज़ में उन्होंने ऑटोमन्स के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी कि अब वो जंग करने वाले हैं फिर कुछ साल जो था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल किस्म की इनकी कंपेन चली फाइट चली जब फाइट चली थी तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे उनके काफ़ी लोगों को प्रेशर सॉरी ग्रीक के काफ़ी लोगों को प्रेशर फेस करना पड़ा था लेकिन उसी ड्यूरेशन में ग्रीस को फोर्स स्पोर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ब्रिटिश फ्रेंच और रशियंस आ गए ब्रिटिश फ्रेंच और रशियंस ने ग्रीक के लोगों को अपनी मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड की और इसके बाद क्या हुआ कि 1832 के अंदर फाइनली जो ग्रीक है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे सामने आ गया ये सब कुछ हुआ था यानी कि तुर्की और ग्रीक के दरमियान में ये क्लैश चल रहे थे इसी क्लैश को डिपिक्ट किया पी बी शैलेन ने अपने इस ड्रामा के अंदर क्योंकि ये वर्क एटीन ट्वेंटी वन में लिखा गया और इस वर्क की पब्लिकेशन एटीन ट्वेंटी टू में हुई और ग्रीक जो था वो एटीन थर्टी टू में हमारे पास एज एन इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे पेयर हुआ था लेकिन जो फर्स्ट टाइम पे ग्रीक ने अपनी स्ट्रगल की थी उस स्ट्रगल के ऊपर उनको सक्सेस फेस करना पड़ी थी फ़र्स्ट अटैम्प्ट पी बी शले ने उसी अटैम्प्ट को इस वर्क के अंदर डिपिक्ट किया ठीक है यानी कि दस साल पहले ही 1832 थर्टी टू दस साल पहले ही इससे ही ट्वेंटी टू के अंदर डेथ हो गई थी बीबी शैल की इस वर्क की पब्लिकेशन के बाद ये वर्क इनका लास्ट वर्क था जो इनकी लाइफ टाइम में पब्लिश हुआ था और इस ड्रामा के अंदर निरीश द फर्स्ट ऑफ द ग्रीक अपराइजिंग्स एंड इमेज द प्रोजेक्ट्री ऑफ द ग्रीक स्ट्रगल जो ग्रीक स्ट्रगल की प्रोजेक्ट्री थी उन्होंने इसको इमेजिन किया इसके बारे में लिखा है और जो ग्रीक की अपराइजिंग थी उसके बारे में लिखा है क्लियर हो गया इतना आपको तो ये था माइनर इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो है हमारा ये वर्क लिखा गया है ठीक है इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया हुआ है अब जो हमारा वर्क है वो लिखा गया 1821 में इसकी पब्लिकेशन डेट 1822 है सेटिंग इसके अंदर हम लोग कोस्ट देखेंगे उसके अंदर जो पैलेस है वो देखने वाले हैं प्रोटेक्ट इसके जिसके अंदर सुल्तान महमूद सेकेंड दिखाया गया है क्यों दिखाया गया है जी इसलिए ताकि जो हमारा राइटर है पी बी शले वो रीडर को दिखा सके कि फर्स्ट हैंड डिफ़ीट क्या थी और जो डिफ़ीट थी ऑटोमन एम्पायर की वो कैसे हुई थी रीडर उसके विटनेस बन चुके सके यानी कि ये जो एक्शन है ये तुर्किश पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट किया गया है जो कि शले के लिए बहुत हेल्पफुल है किस लिए कि शले जो है वो फोकस कर सकेगा फर्स्ट हैंड दिखा के कि तुर्किश की डिफीट कैसे हुई और जो ग्रीक हैं उनकी विक्ट्री कैसे हुई यानी कि इसमें ट्रैजिक करेक्टर जो हमें दिखाया गया है वो महमूद सेकंड का दिखाया गया है महमूद सेकंड को प्रोटैगोनिस्ट बनाया गया हुआ है तो महमूद सेकंड को प्रोटैगोनिस्ट बनाकर वो महमूद के थ्रू ही बता रहा है कि उन्होंने लॉस फेस किया है ठीक है ऑटोमन एम्पायर का आपको पता होगा कि सल्तनत ओस्मानिया थी आजकल आपने गोले अरतगुल गाज़ी देखा होगा उस्मान गाज़ी देखा होगा उसका बेटा औरहान आने वाला है सो ऑन ठीक है तो वहाँ से सल्तनत स्मानिया शुरू हुई थी फिर सुल्तान महमूद आए थे सो so ऑन मतलब बारी बारी आते गए थे ना तो सुल्तान महमूद सकिन की वहाँ से उनकी बात हो रही है कि उसके बाद कैसे डिक्लाइन फेस करना पड़ा था मुस्तफ़ा कमाल पाशा कमाल आया था सो so ऑन हिस्ट्री चलती है तो एनी हाउ इन्होंने अपने प्रोटेगोनिस्ट जो है वो सुल्तान महमूद सेकंड को लिया है और सुल्तान महमूद सेकंड खुद ही अपनी नरेशन करेंगे स्टोरी के अंदर अपने डायलॉग्स के थ्रू जिसमें बताएंगे कि उन्होंने फाइनली लॉस फेस कर लिया है और जो ग्रीस है वो विक्ट्री हासिल कर कर गया है ग्रीस जीत गया है और इसके बाद एक्शन की बात की जाए द एक्शन इज़ सीन फ्रॉम द तुर्किश पॉइंट ऑफ व्यू विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर शले टू फोकस ऑन टुर्किश डिफीट वाया महमूद एंड ग्रीक विक्ट्री थ्रू द कॉरेस इसमें रोल ऑफ कोरस भी देखेंगे कि कोरस आएंगे मैसेंजर आएंगे कमेंटेटर के तौर पे काम करेंगे सो so ऑन और इसके अंदर हम देखेंगे जो एक्शन है वो बैटल्स एंड इंस्ट्रक् इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा कुछ जो है वो हम लोगों को मैसेंजर्स आके बताएंगे इज रिलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ मैसेंजर्स हु ब्रिंग न्यूज फ्राम अब्रॉड जो कि अब्रॉड से न्यूज़ लेके आ रहे होते हैं टाइटल इसका हैलाज लिया गया हैलाज टाइटल क्यों लिखा लिया गया है क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि शैलो इज़ मोर कंसर्न विद द लिबर्टी ऑफ द हेलन स्पिरिट ठीक है उसका ज़्यादा स्पिरिट लिंक किसके साथ है हेलनिक स्पिरिट के साथ है एज ही सेज इन द प्रीफेस वी ऑल आर ग्रीक्स ओवर लॉज ओवर लिटरेचर ओवर रिलीजन ओवर आर्ट्स हैव देयर रूट्स इन ग्रीक्स ठीक है तो ये कहता है इसको यानी कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी ग्रीक्स के साथ हेलनिजम के साथ हेलनिक लिटरेचर के साथ हेलनिक स्पिरिट के साथ तो इसलिए वो कहता है कि हम लोग सब के सब ग्रीक ही हैं हमारा लिटरेचर हमारा रिलीजन आर्ट सब कुछ सबके रूट जो है वो ग्रीस के अंदर है क्लियर तो इसीलिए इसने टाइटल जो था वो हेलस लिया इस पोइम का इस लिरिकल पोइम इस लिरिकल ड्रामा का जो करेक्टर देखेंगे हम इसके अंदर हसन का करेक्टर होगा दाऊद का करेक्टर होगा एक आ का करेक्टर का जो कि एक ज्यू है कॉरेस देखेंगे हम लोग ऑफ कैप्टिव कैप्टिवेन और मेसेंजर देखेंगे स्लेव्स एंड अटेंडेंट्स देखने वाले हैं इस वर्क के अंदर समरी बताने के बाद हम लोग एंड पे जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कॉरेस की जो कि बिल्कुल एंडिंग लाइन है वो भी डिस्कस करेंगे एनालिसिस के साथ अब स्टोरी में होता है क्या है जैसे कि मैं बता चुकी हूँ ये ड्रामा जो है ये ऑटोमन सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है ड्रामा जो फोकस कर रहा है सुल्तान महमूद के ऊपर जो कि कंट्रोल कर रहा है ग्रीस के अंदर जितने भी तुर्किश के अटैक हैं उसको ठीक है कंट्रोल्स द तुर्किश अटैक्स ऑन ग्रीस जब भी ये सोता है तो बहुत ही रेस्टफुल्स फील करता है और इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब नाइट में ड्रोन ख्वाब आते हैं उन ड्रोन ख्वाब से बड़ा परेशान होता है उन ड्रोन ख्वाबों से परेशान होकर ये एक जी को बुलाता है जिसका नाम एहसरस है उस जू को बुलाता है क्योंकि इसका मानना ये है कि जू के पास मैजिक पावर्स हैं और वह इसके ड्रीम्स को इंटरप्रेट कर लेगा जब ये ज्यू से बातें कर रहा होता तो उस कन्वर्सेशन के दौरान महमूद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उदास होता जाता है आता आता खोता जाता है डूबता जाता है और उसके बाद इसको एक रिपोर्ट मिलती है उस रिपोर्ट की बेस पर रियलाइजेशन होती है कि ये लोग हारने वाले हैं ठीक है वो तुर्किश की विक्ट्रीज के बारे में बात करने की बजाय उसको रियलाइज होता है कि ही वो जंग हार चुका है वो जंग जो कि ग्रीक के साथ होने वाली थी बेसिकली ग्रीस के कुछ लोग थे जो कि तुर्किश के अंदर थे और ये कब हुआ था क्योंकि जब फॉल हुआ था बर्जेंटिन एम्पायर का तो उसके बाद से कुछ लोग ग्रीक के तुर्किश में ही थे उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिली हुई थी वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश कर रहे थे और फाइनली उनको इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी और यहाँ पे जो तुर्की है वो हार गया था और जो ग्रीक है वो जीत गया था और इसके अंदर कोरस का रोल इम्पॉर्टेंट है कोरस इंसलेट वमेन होती है ग्रीक की तो वो आके ड्रामा को फॉर दर फर्निश करती है होप के साथ इंस्परेशन और फॉर द फ्रीडम ऑन विक्ट्री के साथ ठीक है वही बात करती है होप की वही बात करती है फ्रीडम की और विक्ट्री की बात करती है आकर स्टेज पे एंटर हो लेकिन जब वो स्टेज पे आती है तो उसका जो कमेंट्स होते हैं जो रिमार्क्स होते हैं विक्ट्री के बारे में होप के बारे में वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीस को लेके नहीं होते लेकिन वो जितना भी यूनिवर्स यूनिवर्सलाइज्ड व्यू होता है वॉर के बारे में फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर के बारे में उन सब के बारे में होते हैं ऑन द अदर हैंड जितना भी एक्शन था वो सारा का सारा तुर्किश पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जिस बेस पे शैले जो है वो फोकस कर पा रहा था तुर्किश डिफीट के ऊपर तुर्किश डिफीट वाया महमूद सिकिन्ड और ग्रीक विक्ट्री थ्रू द कॉरेस कॉरेस जो है वो आते हैं तो वो होमेज पे करते हैं इटर्नल स्पिरिट ऑफ लिबर्टी को एक्सप्रेस करते हैं अपनी होप फॉर ग्रीक विक्ट्री को और क्योंकि महमूद को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो जाता है कि वो हारने वाला है इस हार के ऊपर भी कोरस ग्रीक की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए अपेयर होते हैं एंड अबव ऑल शैले इज कंसर्न दैट द थॉट एंड आइडियल्स ऑफ ग्रीस आर प्रिजर्व जितने भी थॉट जितने भी ऑफ़ ग्रीस के वो सब के सब प्रिजर्व होते हैं जो कि मैं आउटवर्ड मैनीफेस्टेशन के लिए नहीं होते बल्कि अभी भी मौजूद हैं ग्रीक जो है उसने सिर्फ एक कामयाबी नहीं ली बल्कि वो मजीद कामयाबी लेने वाला है जैसे कि द पॉइंट एंड विद द फाइनल कॉरेज प्रोफेसिंग इन अ सॉरिंग विन क्या कहते हैं द वर्ल्ड ग्रेट एज बिगिन अ न्यू सजेस्टिंग दैट अना द गोल्डन एज लाइक द फर्स्ट वन इन ग्रीस विल रिटर्न टू द वर्ल्ड कि जैसे पहले गोल्डन एज थी ग्रीस के अंदर बिल्कुल वैसे ही एक और गोल्डन एज जो है वो आने वाली है और ये जो लाइन है द वर्ल्ड ग्रेट एज ये बेसिकली इस पॉइंट की कोरस की आगे कमेंटिंग होती है और ये उसकी लास्ट लाइंस हैं इन्हीं लाइंस की जो डिटेल है अब हम डिस्कस करने वाले हैं तो स्क्रीन पे देखें कहते हैं द वर्ल्ड्स ग्रेट एज बिगिन अ न्यू द गोल्डन ईयर्स रिटर्न द अर्थ डोट लाइक अ स्नेक रिन्यू हर विंटर वीड्स आउट वॉन हेवन स्माइल्स एंड फेथ्स एंड एम्पायर्स ग्लीम लाइक रेक्स ऑफ दट इजोल्विंग ड्रीम ये बेसिकली जो अब मैं लाइन्स पढ़ रही हूँ ये लास्ट लाइन्स हैं जो कि कॉरस आके स्टेज पे पड़ता है लिरिकल ड्रामा के अंदर और ये लाइंस इंडिकेट कर रही हैं विक्ट्री ऑफ ग्रीस जिसमें कहा गया कि एक और गोल्डन एज आने वाली है जो मुश्किलात थी जो परेशानियाँ थी वो ख़त्म होने वाली हैं हर जगह रिवाइवल होगा रीबर्थ होगा और हेवन स्माइल्स एंड फेस एंड एम्पायर्स ग्लीम जितनी एम्पायर्स थी वो दोबारा खड़ी हो जाएंगी इवन कि हेवन ख़ुद खुश हो रहा होगा हमारे ऊपर हर जगह हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स आने वाली हैं अब उसके बाद है अब ब्राइटर हेलास रियर इट्स माउंटेन अब हेलास मैंने बताया था आपको कि हेलोनिजम को कहते हैं हेलेनिस्टिक अप्रोच को कहते हैं ग्रीक का पुराना नाम भी हेलास था और जब एंशियन ग्रीक ट्राइब्स कंकर्ट किए गए थे उनको जीता गया था तो उस टाइम पे उनको कंकर्ट करने के लिए जो लोग वहाँ पे आए थे वो हैलास के रहने वाले लोग थे इसलिए यहाँ पे हेलास का वर्ड यूज़ किया गया है अब क्योंकि ये ग्रीक टच में लिखी गई है पोएम हम लोगों को डिफरेंट गॉड एंड गोडसेस का रोल भी अगर नजर आने वाला है तो कहता है आप ब्राइटर हिलाज रेयर इट्स माउंटेन्स फ्रॉम वेवस रें फॉर कहता है कि दूर दूर से जो के पहाड़ों से वहाँ पे आए थे ब्राइटर हिलास वो देखेंगे अब वो रेयर रह चुके हैं लेकिन वो देखेंगे वो भी खुशियाँ मनाएँगे अन्यूपिनियस रोल्स हिज फाउंटेन अपनीस अगेन गोडस इनकी सॉरी गॉड है इनका ये बेसिकली थेलियन रिवर है उसका गॉड कंसिडर किया जाता है तो थेसेलिन रिवर कौन है मैंने अभी आपको हेलास का बताया था ना हेलास ने जो एरिया कनकट किया था वो वेसेलेना थेलेम का एरिया था ठीक है ये थेलेम का एरिया था जो कि कनकट किया था हेलास ने और उसके अलावा उस जगह पे जो पेनिस है पेनिस बेसिकली थेलियन रिवर का गोड को कहा जाता है कहता है उन्होंने भी अपने फाउंटेन को बरसाना शुरू कर दिया है अगेंस्ट द मॉर्निंग स्टार मॉर्निंग स्टार यानी कि चमकते सितारे की तरफ अगेन यहाँ पे जो हमारे पास मिल रही है वो सेंस ऑफ विक्ट्री मिल रही है जो कि हमने देखा कि विक्ट्री की जी सॉरी ग्रीस की विक्ट्री थी वो भी प्रीवियस एज में भी एंशियन टाइम में भी ग्रीक ने ऐसी ही विक्ट्री वन की थी और आने वाले वक्त में भी ग्रीक वैसे ही विक्ट्रीज वॉन करेगा वे आर टेम्पल्स ब्लूम दे स्लीप यंग साइक्ट्स ऑन अ सनी डीप अब यहाँ पे अगेन बात की गई है यंग साइक्ट बेसिकली गोडेस का कहते हैं ऐसे गोड जो कि आयरलैंड की गोड होती है यहाँ फिर ग्रीक मैथ सॉरी गोड कहते हैं गोड ऑफ़ द सी को कहते हैं और यहाँ पे रेफर किया जा रहा है आयरलैंड के अकॉर्डिंग कि आयरलैंड पे जो गोड ऑफ सी है उसने एक सनी डीप पिक्चर करिएट की हुई है अगेन सेंस सं, ऑफ विक्ट्री यहाँ पर भी दिखाई जा रही है और इसके बारे में एक और बात है वो ये कि पोसीडियन नम का एक गोड था ठीक है ये भी गॉड ऑफ सी कंसिडर किया जाता है कि इसको एक दफ़ा साइकिलट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था और इसने इस नेम को आयरलैंड के अंदर टर्न कर दिया था ठीक है इस नेम को आयरलैंड बना दिया था तो यहाँ पे यही बात की जा रही है अगर हम लाइन्स को दोबारा देखें कि हम अगर एंशियंट ग्रीक की हिस्ट्री को रिकॉल करें तो हेलास बहुत खुश होंगे क्योंकि थेस्ले नाम की जो जगह थी उन्होंने भी उसको विक्ट्री के फॉर्म में हासिल कर लिया था और पेनस भी खुशियाँ मना रहा होगा अपने फाउंटेंस के ऊपर बारिश बरसा रहा होगा और एक नई सुबह का आगाज़ कर रहा होगा और यंग साइकलर्ट्स यानी कि जो यंग आईलैंड थे वहाँ पे भी एक सनिया डीप एक खूबसूरत रोशनी निकली होगी और वो रोशनी कब निकली थी जब एनशियट ग्रीक ने हलास को कनकेट किया था और वही ग्रीक्स जो थे अब तुर्की से इंडिपेंडेंस हासिल कर चुके हुए हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है आ लॉफ्ट आर्गो क्लीवस द मेन फ्रॉड विद द लेटर प्राइज एंड अदर ऑर्फियस थिंगस अगेन एंड लवस एंड वीब्स एंड डायस अ न्यू यूलिस लिवस वंस मोर कैल एक्ल्प्सो फॉर हीज नेटिव शोर अब यहाँ पे हमारे पास आर्गो ऑर्फियस यूलिस और क्लप्सो ये गोडसिस के नेम आए हैं गॉड्स के नेम आए हैं ग्रीक मिट्स के नेम आए हैं आर्गो बेसिकली एक शिप थी जो कि गॉड्स की हेल्प से बनाई गई थी और फर्दर मोर कहा जाता है कि आर्गो जो है वो एक जाइंट था जिसकी uh, काफ़ी ज़्यादा आइज थी उसको ऑल सींग भी कहा जाता था और ये कभी भी सोता नहीं था क्या फ्रॉड परिट प्राइस एंड अदर ऑफिस सिंग्स अगेन अब दोबारा जो ऑफिस है वो दोबारा से गीत गाएगा ऑफिस बेसिकली अगेन ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर ग्रीक रिलीजन के अंदर एक म्यूजिशन एक बार था एक प्रॉफिट कंसीडर किया था, था जो कि गीत गाया करता था ये आरगोस के साथ एक जर्नी पर निकला था जिसको गोल्डन जिसको सर्च ऑफ द गोल्डन प्लीज की जर्नी कहा जाता है और ये अंडर वर्ल्ड ऑफ हेड्स के अंदर खो गए थे ठीक है लेकिन कहता है कि वो ऑर्फेस जो कि खो गया था अब आके दोबारा वो भी गीत गाएगा एंड लवस एंड वीव्स एंड डाइस और, 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 और खुशियाँ मनाएगा और हंसेगा और मर जाएगा आई न्यू यूलिस लीव्स वंस मोर यूलेस जो कि अपनी जर्नी के लिए फेमस है कि वो ट्रैवलिंग के लिए छोड़ के चला गया था अपनी प्लेस को कहता वो फिर से जगह को छोड़ के जाएगा फिर क्लेप्सो फॉर हिज नेटिव श्योर क्लेप्सो का जिक्र बेसिकली ओडिसी के अंदर लिखा था आपने ये गॉडस ऑफ सी कंसीडर की जाती है जिसको ओडिशस से मोहब्बत हो गई थी तो यहाँ पे इतने ज़्यादा ग्रीक के जो रेफरेंस हैं गॉड्स गॉडस एमथिकल प्लेसेस हैं वो क्यों आ रही हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट का टाइटल ही हलाज है और इसमें बताया ही ग्रीक की विक्ट्री के लिए बारे बारे में गया है और इसलिए वहाँ पे जो ग्रीक के फेमस फेमस वगैरह हैं वो उनका जिक्र कर रहा है कि वो भी बहुत खुश होगा वो भी बहुत खुश होगा वो भी अच्छे से लाइफ गुजार रहा होगा अब तो वो भी चांद के अंदर मतलब चांद की रोशनी बिखेर रहा होगा सो so ऑन फिर कहता है ओ राइट नो मोर द टेल ऑफ ट्रॉय इफ अट दैट स्क्रॉल मस्ट बी नॉर्मिक विद लेंड रेज द जॉय विच डाउंस अप द फ्री ऑल दो असलिक्स रीन्यू रिडल्स ऑफ डेथ थीवर न्यू स्विनिक्स का जिक्र आप लोगों ने एडिपस्ट्रेक्स में पढ़ा होगा ट्रॉय आपने ट्रॉजन वॉर के बारे में पढ़ा होगा कि बहुत बड़ी वॉर थी तो कहता अब मैं उस ट्रॉय के बारे में जिक्र नहीं करूँगा क्यों क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी ब्लड चढ़ हुआ था कहता है मैं ना ही उसको लैंड क्रेज के, के साथ जो है कंपेयर करने वाला हूँ कहता है हाँ स्विस् की जो रीन्यू रिडल्स ऑफ डेथ थी दट थीप्स नेवर न्यू वो थी, वो थी, वो, वो फिनिक्स की जो रिडल्स थी जो कि थीप्स को कभी पता नहीं लगी थी जिसको आगे एडिपस ने सोल्व किया था वो रिडल्स भी सोल्व हो गई थी और उससे भी हैप्पीनेस आया था उससे भी ग्रीस ने डेवलपमेंट गेन की थी फिर कहता है जी एन एथेंस एथन्स शैल अराइज यानी कि अब वो कह रहा है कि अब एक और एथंस यानी कि अगेन ग्रीस जो है वो अराइज होगा अगेन ग्रीस जो है वो अपर रैंक पर आएगा एंड द रिमोट

ठीक है फिर एयर सर्टन एंड लव दयर लॉन्ग रिस्पॉन्स शेल्फ अबस्ट मोर ब्राइट एंड गुड दैन ऑल हु फेल देन वन हु रोज देन मैनी अनसब्यूड नॉट गोल्ड नॉट ब्लड देयर अल्टर डोर्स बट वॉट आइव टीयर्स एंड सिम्बल फ्लावर्स सार्टन जो है ग्रीक मिथ के अकॉर्डिंग एक टाइटन में से एक था जिसने रोमन मैथोलॉजी के अंदर काफ़ी देर तक रूल किया था और इसके बारे में ये कहा गया था एक प्रोफेसर के बारे में कि सार्टन जो है वो अपने ही बेटों को गिरा देगा सॉरी so, अपने ही बेटे के जरिए इसको गिराया जाएगा मतलब इसके बेटे सर्टन को तख्त की लालच के चक्कर में गिरा देंगे थ्रोन कर देंगे और इसीलिए जब भी इसके बच्चे होते थे ये अपने बच्चों को बेटों को खा जाता था और एक ए, ऐसे क्या हुआ इन रिस्पॉन्स एक दिन इसकी जो मदर थी यानी कि जो सर्टन की वाइफ थी उसने अपनी एक बच्चे को छुपा लिया जिसका नाम जियस था ये सारा ग्रीक मिथ के अकॉर्डिंग है ठीक है तो वहाँ पर कहा गया सर्टन एंड लव देयर लॉन्ग रिपोर्ट शेल बस्ट मोर ब्राइट एंड गुड कि वो अच्छा टाइम भी लेके आएंगे एंड देन ऑल हु फेल देन वन हु रोज कि जब भी कोई गिरा है द वन हु रोज जो खड़ा होगा उनमें से देन मैनी सब ड्यूड नॉट गोल्ड नॉट ब्लड दे डोर्स द बट द डियर एंड सिंपल फ्लावर्स यानी किसी को गिरना है किसी को उठना है किसी को मरना है किसी को दुनिया से चला जाना है किसी के पास कोई सोना कोई ब्लड नहीं होगा लेकिन क्या होगा टीय सिंबल्स ऑफ फ्लावर्स यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी और एंड पे फ्लावर्स बचेंगे यानी कि हर एक को जाना है इस वर्ल्ड से नो वन इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एवरी वन हैज़ टू फेस डेथ हर एक को कोई ना कोई डेथ फेस जरूर करनी है कोई ना कोई सूरत के अंदर लेकिन डेथ से पहले उसको एक पॉजिटिव टाइम भी देखना है उस पॉजिटिव टाइम के लिए स्ट्रगल भी करनी है फिर है जी Or seas must hate and death return, seas must men kill and die, seas drain not to its dredge the urn of bitter prophecy. The world is weary of the past, or might it die or rest at last? तो यहाँ पे वही death वाली बात की गई है कि world के अंदर changes आएंगी, world के अंदर जो Greece है वो uprise होगा, Greece जो है वो एक अच्छी विक्ट्री भी फ़ेस करेगा एक अच्छा टाइम भी फेस करेगा लेकिन डाउनफॉल तो आना है हर एक पे आना है एक आदमी ने दूसरे आदमी को मारना है और एक आदमी ने मरना है और हर एक में नफ़रतें भी फैलनी हैं मोहब्बतें भी फैलनी हैं हर एक ने दोबारा से डेथ की तरफ ही आना है सीज ड्रेन नोट टू इट्स डिज द अर्न ऑफ बिटर प्रोफेस ही और ये बिटर एक प्रोफेस ही कि हाँ हर एक ने चले जाना है इस वर्ल्ड से नो वन इज पर्मानेंट टू लिव इन दिस वर्ल्ड द वर्ल्ड इज़ वेरी ऑफ द पास्ट और माइट इट डाई और रेस्ट एट लास्ट कि खत्म हो जाएगा वर्ल्ड भी ठीक है ये लास्ट लाइन्स थी जो कि उस प्ले की थी प्ले काफ़ी लेंथी था उनमें से कुछ लाइन्स जो थी कोर्डर्स की मैंने यहाँ पे कॉड करके आपको उसका एनालिसिस बता दिया ओवरऑल आपको स्टोरी भी क्लियर हो चुकी कि कि स्टोरी किस कॉन्टेक्स में लिखी गई हुई है कि स्टोरी में बात की गई है ग्रीस इंडिपेंडेंस की जो और तुर्की की डिफीट की इसमें महमूद सेकंड की बात की गई कि उसके हैंड पे ग्रीस ने डिफीट फेस की थी सॉरी तुर्की ने और ग्रीस ने विक्ट्री फेस की थी क्लियर तो आई होप ये आपको समरी इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट चंक्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे इसका टाइटल हिलास भी रखा गया उसके एंड के उप, अंदर इतने ज़्यादा गोल्ड गौड़ एंड गोडसेस के नाम क्यों लिए गए क्योंकि ग्रीक फेमस ही अपने गोल्ड गौड़ एंड की वजह से अपने ग्रीक मैथोलॉजी की वजह से फेमस है दैट्स ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी होगी इसमें काफ़ी पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा स्टेट की विद दस्ट टेक केयर